अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, वेलकम टू नाज़िम एजुकेशन स्टूडियो। एनसीओसी मीटिंग के लिए टेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीओसी मीटिंग आज 25 अगस्त 2021 को अरेंज की गई है और वही मीटिंग इन प्रोग्रेस है। इस वक्त मीटिंग हॉल के अंदर तमाम सूबाई वज़राए तालीम शफकत महमूद साहब जो कि सुपरवाइज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम है और उनके मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल साहब वो भी मौजूद है। इस मीटिंग में तमाम सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगा। इस छोटी सी वीडियो में आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ टाइम पर मिलती रहे और साथ घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। डियर ऑडियंस, तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब को उनके मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल साहब ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की शरह जिन अजला में 10% से ज़्यादा है उनमें खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला, पंजाब के 17 अजला, सूबे सिंध के 11 अजला, बलूचिस्तान के 9 अजला, गिलगित बल्लिस्तान के 3 अजला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 अजला शामिल हैं। डियर ऑडियंस, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दिया। अब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की सरबराही में तमाम सूबाई वज़राए तालीम इस पर बहस करेंगे। जो भी फैसला आएगा आपके साथ टाइम पे शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।